नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मैं हमेशा कहता हूं मुद्दा आपका, लेकिन आप लोग बोलते होंगे कि ये तो मुद्दा अपना कुछ है ही नहीं, सिर्फ राजनीति राजनीति बात करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई मुद्दा हो तो हमें कमेंट में लिखिए, कमेंट व्हाट्सएप कमेंट में, हम उसको हम इसमें चर्चा कर लेंगे। क्योंकि हमारा वीडियो जो है मंत्रालय से लेके हर जगह जो है लोग देखते हैं, उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अब आते हैं अपने वीडियो पे। राजनीति की बात करें तो एक खबर इस समय महाराष्ट्र की सत्ता को लेकर काफ़ी अहम रखती है, जिसमें राहुल नार्वेकर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा कहना है नीतीश राणे का। उनका कहना है कि इंडिया की टीम यानी इंडिया के पक्ष जो है लगातार दबाव बना रही है राहुल नार्वेकर ऊपर कि जल्दी जल्दी जो है फैसला सुनाएं। क्या फैसला सुनाएंगे, क्या नहीं सुनाएंगे, ये तो बात की बात है, लेकिन फैसला सुनाएं। इसी पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल सतेजी से और जानेंगे कि ये फैसला कितना उचित होगा, किस तरह का होगा, क्या होगा कि नहीं होगा। सर, आपको क्या लगता है कि दबाव तो बहुत है राहुल नार्वेकर के ऊपर, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं? आजकल हम वन वे ट्रैफिक नहीं रखे, टू वे ट्रैफिक रखे हैं कि आप भी बात करते हैं, मैं भी बात करता हूं, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। तो सर, मैं पहली चीज़ ये पूछूंगा कि क्या आपको लगता है कि राहुल जी नार्वेकर के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? सर, दबाव तो मतलब कि विपक्ष है वो तो लगातार दबाव बनाएगी, क्या अभी नया बात नहीं है इसमें? सर, वो तो डे वन जब से सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि स्पीकर ही इसका फैसला करेंगे, तब से लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मैं तो बोलता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी दबाव बना रहे थे कि अगर हमारी तरफ से ये निर्णय आया तो ही वो न्याय होगा सुप्रीम कोर्ट का, और वो सुप्रीम कोर्ट का स्वतंत्रता के लिए एक ये हो जाएगा। तो वो सुप्रीम कोर्ट पे भी दबाव बनाते थे कि हमारे साइड में बोलो, हमारे साइड में निर्णय दो, अगर हमारे साथ नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पे पर बिग गैम। सर, इसको बिग गैम बोले वो चुनाव आयोग को, जो चुनाव आयोग काफी कुछ, आपके मित्र संजय राउत ने तो काफी कुछ कहा था। हाँ, वो बेचा गया, बोले हमको भरोसा नहीं है, हमको मानना नहीं है। वो तब तक नहीं बोले जी, तब तक बोले चुनाव आयोग को हमारा भरोसा है, जिस दिन वो अलग गए तो उन्होंने भरोसा टूट गया बोले। लेकिन सर, ये विपक्ष है, वहाँ पर कोई भी पार्टी रहेगी आज के, खैर खुदा न खास्ता बीजेपी भी रहेगी तो वो भी यही चीजें बोलेंगी, बीजेपी भी दबाव बनाएगी क्योंकि उनके पास अब वही चाबी रह गया है। सर देखो जी, मैं अगर यहाँ पे राहुल नार्वेकर जी के बारे में कोई भी ऐसा वक्तव्य करता हूँ कि जो न्यायोचित नहीं है और कानून में नहीं है, और इनकी जो आचार संहिता है, पत्रकारों के लिए है, आम नागरिक के लिए है, नेताओं के लिए है, विधान परिषद की है, विधानसभा की है, लोकसभा की है, बिल्कुल उसके अंदर अगर बैठता नहीं है और मैंने ऐसा अगर बोल दिया कि ये पक्षपाती है तो मेरे ऊपर हक भंग हो जाता है। बिल्कुल बनता है ना। तो इनके ऊपर क्यों नहीं लगाया जा रहा है? आज पहली बार नीतीश राणे ने बोला है कि हम इसके ऊपर हक भंग लाने की ये करेंगे, करेंगे ही, ऐसा बोला है। तब तक तो किसी ने ये बोला नहीं, और इनको भी याद नहीं दिलाया, और इनको भी याद नहीं आया कि हम जो बोल रहे हैं वो हकभंग करता है इनका, राहुल नार्वेकर जी का। आपको लगता है राहुल नार्वेकर दबाव में आने वाले आदमी है? बिल्कुल नहीं। जो दबाव में आएंगे सर, सत्ता पक्ष के साथ में हैं, वो विधानसभा के स्पीकर हैं और एडवोकेट भी हैं, उनको सब मालूम है कि क्या निर्णय लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या उसमें स्टडी करना है। तो जब तक इतने आप ही कहते हैं कि 5-5, 6-6 हज़ार पन्ने का एक एक निवेदन है जी, तो उसको टाइम तो लगेगा ना सर। बराबर नहीं, दबाव की बात है तो दबाव सर विपक्ष है। सर, एक मुद्दा संजय राउत ने उठाया है, उसका थोड़ा आप अगर आपकी ओर से जवाब देंगे, मेरे पास है जवाब मगर आप देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लोगों को भी लगेगा, कि उन्होंने बोला है कि पक्षांतर के मामले में जी नार्वेकर जी कोई भी निर्णय देने के लिए जी उचित व्यक्ति माने नहीं जा सकते, क्योंकि वो पहले शिवसेना में थे, उनके भी प्रवक्ता थे, बाद में राष्ट्रवादी में थे, उनके भी प्रवक्ता हुए, बीच में बीजेपी में गए, उनके भी प्रवक्ता हुए, अभी शिंदे गुट में जा सकते थे मगर वो पहले ही सेटिंग हो गया करके, वो अध्यक्ष बन गए, ये हो गया करके, नहीं नहीं तो वो भी हो सकता था बोले। तो जो आदमी खुद 3 पार्टी में ऑलरेडी पार्टी बदल चुका है, क्या वो पार्टी बदलने के बारे में अपना दृष्टिकोण न्याय संगत, तर्क संगत और कायदे कानून के संगत रखेगा कि खुद अपने आईने में झांक कर ये सोचेगा कि तो मैं शिवसेना में था, बाद में राष्ट्रवादी में गया, बाद में इधर गया और फिर भी मैंने तो लोग हाँ
तो फिर उसका जो अंतरात्मा है जिसने उसको परमिट किया तीन पार्टी बदलने को, वो आत्मा अगर जाग जाती है और बोलती है जो तूने किया वही तो इन्होंने किया है। तो संजय का मुद्दा जो है वो ये है कि जिसने तीन पार्टियां बदली है क्या वो सही आदमी है? पक्षपात नहीं करेगा? हाँ, तो आपको क्या लगता है सर? ये उंगली तो सर राज्यपाल के ऊपर भी उठती है, वो उंगली तो राज्यपाल पक्षांतर नहीं कर रहा है। नहीं, पक्षांतर नहीं कर रहा, उंगली उठती है। नहीं, पार्टी का आदमी हो सकता है जी। देखो, किसी की भी अपॉइंटमेंट बिना पार्टी के ठप्पे के बिना होती नहीं है जी। अपने राष्ट्रपति हो जी या राज्यपाल हो, कोई भी हो जी, वो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करता है। वो कांग्रेस के जमाने में से नहीं, नेहरू के जमाने से चल रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर तुम कल शिवसेना में थे, आज राष्ट्रवादी में थे, अभी बीजेपी में आ गए, तो तुम्हारी जो सत्सद विवेक बुद्धि है वो तुमको परमिट की तीन करने के लिए, तो आपको उनकी साइड। सर देखो, मैंने कोई एक काम किया है, समझो गलत काम किया है, तो गलत काम जिसने मेरे जैसा ही किया है वो अगर सामने आता है तो मेरा दृष्टिकोण उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहेगा कि ऐसा रहेगा जो कानून है कानून है, क्योंकि मेरे ऊपर जब बारी थी तब मैंने वो कानून की परवाह नहीं की है। बिल्कुल। तो संजय जो बोल रहा है उसमें तथ्य है कि नहीं है? है, बिल्कुल तथ्य। मुझे बोलना था आपको। और राहुल नारोकर इसमें जज की भूमिका में बैठे हुए हैं, उनको सबको इक्वल देखना है, लेकिन जो स्टडी तो स्टडी है, जो उसमें कानून तो कानून है, कानून के दायरे में जो जैसा आएगा किसी को पर इसमें पक्षपात तो नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है अगर राहुल नारोकर करना भी चाहेगा तो नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है, ये आपने इतना बड़ा विधान किया है कि वो करना चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे, तो भी नहीं कर पाएंगे। तो सर राज्यपाल महोदय तो वो तो उनसे भी बड़े हैं, तो राज्यपाल महोदय ने जो भी किया, ये उद्धव ठाकरे को बोल दिया कि सिद्ध करो तुम्हारा बहुमत, फिर बोले कि इनको तुम आ जाओ तुमको शपथ देता हूँ, ये किया वो किया, पहले सिद्ध करो बहुमत किया। सर सिद्ध करो बहुमत, हाँ, उसके बाद उन्होंने खुद रिजाइन दिया, तब जाके उनको बोला गया कि आप आके आप नहीं नहीं वो तो उन्होंने पागलपन किया जी। वो दूसरे दिन हाँ। लोकसभा में मतलब कहाँ गलती हो गई? हाँ नहीं, हारते थे, खुद को लगा कि मैं हार जाऊंगा, तो रिजाइन दे दिया, उन्होंने रिजाइन दिया। पर राज्यपाल के ऊपर भी पक्षपात का आरोप बहुत लगाना, क्योंकि बीजेपी से सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाया कि ये सही नहीं था, मगर अभी हो गया है तो कुछ बदल नहीं हो सकता। तो क्या आपको नार्वेकर का रिजल्ट क्या होगा, वो इनके पक्ष में होगा या उनके पक्ष? टोटल सर व्हिप के ऊपर है, व्हिप उसमें किसका एक्चुअल था, जो जिसने व्हिप का उल्लंघन किया रहेगा वो नहीं रहेगा। मगर उनके हाथ में तो ये भी तय करना है कि व्हिप कौन है। हाँ, वही तो ना, वो कौन तय करेगा? यही तय करना है, सिर्फ ये वो तय करेंगे। रिजल्ट व्हिप के ऊपर है, पार्टी कौन सी सही है और व्हिप किसका जारी करना सही है, ये ठहराने वाले भी खुद नार्वेकर है ना। और हमने इसके पहले भी वीडियो बनाया था एडवोकेट जोशी के साथ में, तो उन्होंने भी काफ़ी इसके ऊपर स्टडी किया, उन्होंने करीब 10 दिन स्टडी रखी, हमारे पास आए थे। उनका साफ साफ कहना है कि जो इनका बना हुआ कानून है, मतलब शिवसेना का जो ये बना हुआ है ड्राफ्ट बना हुआ है, तो बाला साहब के जाने के बाद इन्होंने चेंज किया, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसमें बैठ नहीं रहा है। मगर तो उसमें ये भी बात हुई है कि जो चेंज किया उन्होंने जी, उन्होंने आयोग के सामने दाखिल नहीं दाखिल किया, नहीं किया है, तो वो अधिकृत नहीं अधिकृत है, नहीं। तो इसी में जो है मामला फंस सकता है। वो भी फंस सकते हैं, वो फंस सकते हैं। अभी आते हैं नीतीश राणा ने जो कहा है उसके बारे में। सर नीतीश राणा मेरे मित्र हैं और कई बार उनसे मुलाकात हुई है, गप्पा टप्पा हुई है, और एक्सचेंज ऑफ थॉट जिसको बोलते हैं वो भी मैंने उनके साथ किया हुआ है। सर उनका बारे में आज बोलते समय पहली बात तो मैं बोलता हूँ कि उनको राज्य मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री करके लिया जा सकता था और है, मगर नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक बार उनसे ही बात छेड़ी थी कि दोस्ती दोस्ती में कुछ भी बोल देता हूँ मैं बोला कि क्या आप मंत्री बनने की संभावना है, तो नीतीश जी मुझे बोले कि नहीं। मैं बोला क्यों, वैसे भी आप इन सब के पास में हैं, तो बोले नहीं, केंद्र में वो मंत्री है मेरे पिताजी, तो उनका ही बेटा महाराष्ट्र में मंत्री बने, ये भाजपा की नीति नहीं है, करके मुझे नहीं मिलेगा, और ये मुझे बता दिया गया है जी कि आप आशा मत रखो, आप काम करते रहो। सर नीतीश के बारे में बहुत कम लोगों को ये मालूम है, मगर मुझे मालूम है क्योंकि नीतीश जी ने खुद मुझे बताया है, करके मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पक्ष जो महाराष्ट्र का है
वो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का चेहरा, देखो इतने बड़े बड़े सीनियर नेता है, युवा नेता है, उनके पदाधिकारी है, उनको सबको साइड में रखे भाजपा का हिंदुत्व का चेहरा बनाने के लिए उन्होंने नीतीश राणे को चुना है। ये बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। और इसके लिए दो कारण है, एक तो वो एग्रेसिव है, दूसरे ऐसे वो किसी को भी भिड़ सकते हैं, तो उनको महाराष्ट्र का चेहरा बनाया है सर। उनके बारे में तीसरी बात है जो खुद फडणवीस साहब ने मुझे एक बार गप्पा मारते मारते बोली थी कि बोले हमको भी एक संजय राउत चाहिए था करके हम नीतीश राणे को आगे बढ़ा दिया। संजय राउत हर एक को चाहिए लेकिन संजय राउत नहीं चाहिए। अरे क्या बात, क्या विधान किया हमने, अरे वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। संजय राउत हर एक को चाहिए लेकिन संजय राउत किसी चाहिए। को नहीं चाहिए। अरे क्या बात है, क्या बात है, आपने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया। क्या बात है। तो ये नीतीश राणे जो है जी, तो वो रोज इसका पत्रकार परिषद होने के बाद एक पत्रकार परिषद देता है और संजय ने जो भी बोला होगा उसको कॉन्ट्रास्ट करता है फुल फुल। हाँ, और सर महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से कम 20-25 ऐसे हिंदुत्ववादी वो दव जिहाद के खिलाफ जो मोर्चे निकाले, तो हर एक जगह बीजेपी ने नीतीश राणे को उसका चेहरा बनाया या तो उनको भेजा कि आप लीड करो। सर 25 मोर्चे महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में जो हुए उसका नेतृत्व करने वाला नीतीश राणे, अभी मेरा दोस्त है करके ऐसा बोलता हूँ, अभी मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के टॉप 10 में आ गया है। वो नहीं था पहले जी, मगर अभी आ गया है। और वो अपने को उस, देखो वो जो भी बोलता है, मैं एक बात बोलूँगा कि कुछ हद तक वो हमारे यहाँ एक रामदास पाध्य करके है जो पपेट से ये करते हैं, वो पपेट में हाथ डालते हैं और वो बोलता है और करके वो उसके मुंह से आवाज निकलता है ऐसा आपको दिखाते हैं। तो ये करता है, बोलता वो करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसको अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। तो वो पपेट जो है, तो कभी कभी क्या लगता है ना कि बीजेपी को जो बोलना है मगर उनके अधिकृत अगर लोग बोलेंगे तो उनके ऊपर लोग टूट पड़ेंगे, वो ये बोलता है जी। और इसको बोलने के लिए मेरे को तो लगता है बीजेपी के जो टॉप 5 है उनमें से भी किसी का समर्थन होने के सिवा वो बोल ही नहीं सकेंगे जितना। और सर उनका मैनेज किया गया है ना, जैसे संजय के पास लोग खुद जाते हैं सुबह जी, मगर इनके पास आते हैं लाए जाते हैं, तो इनका महत्व बीजेपी को है। अभी बीजेपी का कोई दूसरा आदमी 52 को छोड़ के नहीं बोलता है, बोलता है खाली ये बोलते हैं, सब उनके प्रवक्ता गप है और ये बोलते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि नारायण राणे साहब तो अभी सीनियर है, राज्यसभा में है, इसके लिए उनको लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं है, अगला मंत्रिमंडल जब आएगा तब शायद उल्टा भी हो सकता है कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में नीतीश को लेके राणे साहब को सीनियरिटी में बिठा देंगे वो और उनको मंत्री राज्यपाल बना देंगे। राज्यपाल बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल राज्यपाल बना सकते हैं और वो अच्छे राज्यपाल साबित हो सकते हैं क्योंकि अच्छे मुख्यमंत्री थे वो। फिर महाराष्ट्र में उस समय मैं बोलता था कि अंतुले साहब के बाद इतना डैशिंग मुख्यमंत्री हुआ नहीं नारायण राणे जैसा, और बहुत एकदम अलग टाइप के डैशिंग लीडर थे। ये भी हो सकता है, ये थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए। और मेरे को लगता है कि अभी उसको ना संजय राउत से ऊपर उठना चाहिए, वो अभी तक संजय राउत से ही कंपटीशन करता है, मगर उसको अगर बीजेपी में अपना तक जमाना है तो एक स्टैंडर्ड करना चाहिए, भले उसमें संजय राउत को वो मुकाबला करता है नहीं करता है वो बात अलग से रह जाएगी, मगर मेरे को लगता है उसको संजय राउत नहीं होना चाहिए, उसको जो बीजेपी के अन्य प्रवक्ता है उनके जैसा ही बोलना चाहिए, एक सोफिस्टिकेटेड बोलना चाहिए। ये तिरड़ी बिड़ी कुछ बोलता है उसको बोलना दो सर, उसका अभी हंसी मजाक कर रहे हैं बिल्कुल संजय का ये बोलने के लिए, अभी नहीं पहले से लोग पहले से कर रहे थे, अभी मैं भी कर रहा हूँ मैं नहीं करता था मगर मेरे को भी ये पसंद नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक अच्छा नेता, यंग डायनेमिक डैशिंग मिल गया है उनके रूप में नीतीश राणे के, और अगले चुनाव में जो स्टार कैंपेनर रहेंगे उसमें नीतीश का होना बिल्कुल सही रहेगा और वो करेगा अपना काम, और वो खुद का तो चुनाव जीतेगा ही, उसमें कोई चिंता नहीं है, और उसका भाई है वो भी लोकसभा के लिए। और जो आरोप लगा रहे हैं वो कितना सही है, जो इंडिया के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया का दबाव बना रहे हैं। हाँ अरे हाँ, मैं वो हमेशा इसकी तरफ बैठ गया, वो बराबर है वो जो बोल रहा है वो सही है जी, वो सही है कि ऐसा दबाव बनाने की कोशिश उनकी इंडिया वालों की चली है। इंडिया वालों की बोले तो महाविकास आघाड़ी ये तुम्हारा पटोले और ये महाविकास दो चार
है वो बोलते हैं, और इस तरह से दबाव ला के कुछ नहीं होगा, और यह हक भंग ला रहा है तो लाने की जरूरत थी, तो अच्छा है। तो नितेश अभिनंदन, हम दोस्त तो है मगर अभी आज मुझे फख्र हो रहा है तुम्हारी इनिंग पे, क्योंकि पहले जब तुमको ये किया तो मैं थोड़ा सोचा था कि तुम वो जो ये है वो किस तरह से निभाओगे, मगर अच्छी तरह से निभा रहे हो और एक स्टैंडर्ड तुम्हारा बढ़ा दो, तो आखिर लोग बोले कि भाई संजय राउत कुछ भी बकाल बोलता है, बकवास करता है, मगर नितेश राणे मुद्दे की बात करता है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। तो हम तो यही चाहेंगे कि जो राहुल नारे ऊपर चाहे दबाव हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन निर्णय जो है कुछ भी जो है सामने कुछ तो आना चाहिए, क्योंकि लंबा गैप होते जा रहा है। निर्णय तो लोकसभा विधानसभा निर्णय होने तक आने वाला नहीं है, वो बात छोड़ो जी, वो बात छोड़ो, वो अभी और नहीं आने वाला जब तक चुनाव नहीं होता है जी। तो आप लोगों को क्या कहना है इस पर, अपनी प्रतिक्रिया जो है हमें व्हाट्सअप कमेंट जरूर लिखिए, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। जय भारत।